मैजिकल क्ले काओ हाउस। देवीनगर के जंगल में रात का समय था। वहीं एक बहुत ही खतरनाक जादूगर एक बहुत बड़े पत्थर के साथ उड़ते हुए आता है और जंगल में एक तालाब के पास उतरता है। वहीं वो जादूगर कोई मंत्र पढ़कर उस तालाब पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और उस तालाब के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा शैतानी दुनिया का दरवाज़ा निकलता है और वो जादूगर उसके अंदर चला जाता है और वो बड़ा पत्थर एक पत्थर दानव में बदल जाता है और वो शैतानी दरवाज़ा वापस उस तालाब के अंदर चला जाता है। जिस काम के लिए महाकाल जादूगर ने मुझे जिंदा किया है, मुझे जल्द से जल्द वो काम पूरा करना होगा, वरना वो मुझे फिर से पत्थर में बदल देगा। वो पत्थर दानव ये बोलकर वही जंगल की जमीन के अंदर चला गया और वो जंगल में एक गुफा के पास बाहर निकला। वो मिट्टी से बना गाय का घर इसी गुफा में होना चाहिए, उसी से मैं जादुई अनंत मणि को ढूंढ पाऊंगा। वो दानव गुफा के अंदर जाने लगता है कि वहीं उस गुफा पर एक सुरक्षा कवच आ जाता है और वो दानव अंदर नहीं जा पाता। वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है लेकिन वो कवच नहीं टूट पाता। ये कवच बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैंने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर ली लेकिन ये फिर भी नहीं टूटा। इस कवच को सिर्फ महाकाल की तलवार ही तोड़ पाएगी। मुझे पाताल लोक जाकर महाकाल की तलवार लानी होगी। ये बोलकर वो पत्थर दानव वहां से उड़कर चला जाता है। बाद में उस गुफा के अंदर से एक सोने की गाय निकलती है और जंगल में कहीं जाने लगती है। जंगल के पास में एक देवी नगर का एक गांव बसा हुआ था। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो पूरा दिन गांव में घूम घूम कर पुराना सामान इकट्ठा करके उसे बेचता। मोहन ने गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी लगाई हुई थी। वो रात के समय वहीं रहता था। ऐसे एक दिन मोहन रेलवे पटरी पर कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठे कर रहा था कि वहीं उसे एक गाय की आवाज सुनाई दी। जब उसने वहां देखा तो एक गाय का पांव पटरी में फंसा हुआ था और वहां ट्रेन के आने का समय भी होने वाला था। मोहन तुरंत उस गाय को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा। मोहन ने उस गाय के पांव को जैसे ही पटरी से निकाल दिया और वहीं उसके पटरी से हटते ही वहां वो ट्रेन बहुत तेजी से गुजरी। अगर मुझे तुम्हें बचाने में थोड़ी और भी देर होती तो वो ट्रेन हमें कुचल देती। बस वहीं वो गाय एक सोने की गाय में बदल गई। उसे देखकर मोहन बहुत आश्चर्य हुआ। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं धरती की जमीन के अंदर से बनी एक जादुई दुनिया से आई हूँ। मैं उस रेलवे पटरी पर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझे बचाओगे या नहीं, और तुमने मुझे बचाया। तुम उसमें पास हो गए हो। हमारी जादुई दुनिया की अनंत मणि खतरे में है, उसे एक पत्थर दानव चुराना चाहता है। तुम्हें हमारी उस दानव को रोकने में मदद करनी होगी। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हमारी दुनिया में एक मिट्टी से बना गाय का घर है, उसकी मिट्टी से तुम कोई भी हथियार बना सकते हो। मोहन और वो गाय वहाँ से गायब होकर उस जादुई दुनिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो मिट्टी से बना गाय का घर भी था। वो आकार में बहुत विशाल था। मोहन और वो गाय उस क्ले काओ हाउस के अंदर चले जाते हैं और वो कुछ देर के बाद एक मिट्टी से बनी तलवार लेकर बाहर आते हैं। वहीं उस गुफा के बाहर वो पत्थर दानव भी महाकाल की तलवार लेकर आ जाता है और गुफा के बाहर कवच को तलवार से तोड़ने लगता है। बस वो तलवार के कुछ ही वार करता है और वो कवच टूट जाता है। इन्हें क्या लगता था कि मुझे रोक पाएंगे? मेरे पास अब महाकाल की जादुई तलवार है, अब मुझे कोई रोक के दिखाए। वहीं मोहन और वो गाय भी आ जाते हैं और मोहन अपनी तलवार से उस पत्थर दानव पर हमला कर देता है। बस एक ही वार से वो दानव नष्ट हो जाता है। बाद में वो सोने की गाय मोहन को मदद करने के बदले बहुत सारा सोना देती है। इससे मोहन बहुत खुश हो जाता है।
जॉइंट बफलो पेट्रोल पंप। सुंदरनगर राम के गांव में एक ही पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप को मुन्ना सेठ कहकर एक व्यक्ति चलाता था। वो बहुत लालची था। उसने अपने पंप्स के मीटर्स टेम्पर करके एक लीटर में आधा लीटर पेट्रोल आए जैसे सेटिंग किया हुआ था। गांव में कोई और पेट्रोल पंप ना होने के कारण सारे गांव वाले मुन्ना सेठ के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते थे। एक दिन एक गांव वाला अपनी बाइक पर जंगल के रास्ते से गांव वापस आ रहा था, तो वहीं रास्ते में ही उसका पेट्रोल खत्म हो गया। अरे ये बाइक का पेट्रोल फिर से खत्म हो गया। आज ही तो एक लीटर डलवाया था मैंने, ये इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ये पेट्रोल पंप वाला मुन्ना सेठ ही कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका पता करना पड़ेगा। एक दिन वो गांव वाला मुन्ना सेठ के पास आकर, गांव में सिर्फ यही एक पेट्रोल पंप होने के कारण सारे गांव वाले यहीं से ही पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन आप हमसे ज्यादा पैसे लेकर कम पेट्रोल डालते हो। ए, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो ना, जाके मशीन का मीटर देखो, जितना होता है हम उतना ही डालते हैं। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, अभी मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ। लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। वो गांव वाला वहाँ से कुछ ही दूर गया था कि मुन्ना सेठ के गुंडे उसे रास्ते में रोक कर, तुम्हें क्या लगता है बॉस तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? हम तुम्हें अभी बताते हैं। वहीं मुन्ना सेठ के गुंडे उस बेचारे गांव वाले को बहुत मारते हैं। ऐसे एक दिन वहाँ गांव में रहने के लिए पुष्पा और मगन नाम के दो बहुत ही शातिर चोर आ जाते हैं। वो चोर गांव-गांव जाके बड़ी बड़ी चोरियां करते थे। एक दिन वो दोनों चोर मुन्ना सेठ के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं। उनके ट्रक पर बहुत सारी चोरी की गायें थीं। वैसे पेट्रोल भरवाने के बाद वो उन चोरी की गायें को बेचने के लिए शहर जा रहे थे, तो पुष्पा, आज तो मजा आ गया, इन गायें को बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। वो ऐसे जा रहे थे कि उन्हें पुलिस चेक पोस्ट सामने दिखाई दी। ये देखकर वो दोनों बहुत डर गए। पुष्पा और मगन उस ट्रक को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। ये ट्रक में तो हमने पेट्रोल ज्यादा डलवाया था, ये इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? मुझे लगता है ये पेट्रोल पंप वाले सेठ ने ही गड़बड़ की है। अगर आज हमारे ट्रक का पेट्रोल खत्म ना होता तो हम चेक पोस्ट को आसानी से पार कर लेते। ये सब कुछ उस मुन्ना सेठ की वजह से हुआ है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे वो दोनों एक प्लान सोचते हैं। कुछ दिनों बाद पुष्पा एक बहुत बड़ी विशाल मशीनी भैंस लेकर आया। जैसे ही उसने एक बटन दबाया, उस भैंस का एक दरवाजा खुला। उसके अंदर फ्यूल पंप्स लगे हुए थे। देखो, अब इसकी मदद से हम उस मुन्ना सेठ को अच्छा मजा चखाएंगे। अब बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ इसका। जैसे ही रात हुई, वो उस भैंस को मुन्ना सेठ के पेट्रोल पंप के पास ले गए। वहीं एक सुरंग खोदकर मुन्ना सेठ के पेट्रोल पंप के नीचे वाले पेट्रोल टैंकर में एक पाइप फिट किए। उससे वो अपनी भैंस में लगे पंप्स को भरने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने मुन्ना सेठ का पूरा पेट्रोल टैंकर खाली कर दिया। अगले दिन जब मुन्ना सेठ आकर देखा तो उसके पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ इतनी गाड़ियों की लाइन कैसे लगी हुई है? बॉस, पेट्रोल पंप में जरा भी पेट्रोल नहीं है, लेकिन कल तो पूरा था। आज जब हम आए और देखा तो सारा पेट्रोल टैंकर खाली था। वहां पुष्पा और मगन ऐसा रोज करने लगे। वो रोज रात में आते और उस भैंस में मुन्ना सेठ के पंप का सारा पेट्रोल चुरा कर चले जाते। ऐसे दिनों दिनों में मुन्ना सेठ बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया और वो उस पेट्रोल पंप को पुष्पा और मगन को बेचकर वो गांव छोड़कर चला गया।